घाटों का शहर कहे जाने वाले बनारस में यूं तो काफी कुछ देखने और सुनने के लिए है, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं बनारस के एक अनोखे कुंड के बारे में। इस कुंड में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है और इसे लोलार्क कुंड के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, सूर्योदय होने पर इस कुंड पर सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ने के चलते इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। लोलार्क कुंड में स्नान करने मात्र से ही चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि देवासुर के संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया इसी स्थान पर गिरा था, जिसके बाद से इस कुंड का निर्माण हुआ और इस कुंड का नाम लोलार्क कुंड पड़ा। लोलार्क कुंड की मान्यता है कि संतान प्राप्ति की कामना के साथ सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से लंबी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी दीवार भी है। कुंड के दक्षिण भाग में लोलार्केश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडे बताते हैं कि इस मंदिर का काफी पुराना और अद्भुत मान्यता है। जी, मैं लोलार्क बाबा का प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडे, यहाँ का प्रधान पुजारी लोलार्केश्वर महादेव मंदिर। यहाँ ये विश्व प्रसिद्ध श्री लोलार्क कुंड और लोलार्क ईश्वर महादेव, जिनके यहाँ स्नान करने से संतान की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति सदा होती रही है। सखी से ये मेला चला आ रहा है और यहाँ कुंड में स्नान करने के बाद बाबा का दर्शन करना। नवीं शताब्दी में इस कुंड में स्नान की परंपरा शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। यहाँ राजा गढ़वाल नरेश ने अपनी सातों रानियों के साथ स्नान किया था, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पुजारी बताते हैं कि कुंड का निर्माण नवीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश के द्वारा किया गया था। वहीं अहिल्याबाई होलकर ने कुंड का पुनरुद्धार किया था। पुजारी बताते हैं कि मंदिर में लोलार्केश्वर महादेव की स्थापना भगवान सूर्य ने खुद किया था। विश्व में पहला ऐसा शिवलिंग है जो अर्घापूर्व की तरफ है। ऐसा शिवलिंग विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सभी शिवलिंग उत्तर की तरफ हैं। लोलार्क कुंड में तीज से ही स्नान दान की शुरुआत हो जाती है, लेकिन छठी तिथि पर स्नान करने का अलग ही महत्व है। इस दिन कुंड में स्नान के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। इसमें देश व प्रदेश के हर कोने से लोग कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है जो सालों साल हर साल प्रतिवर्ष ये चलता है। लोलार्क बाबा के लोलार्क कुंड में स्नान करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और बाबा का दर्शन करके उनसे मन्नत करके जाते हैं भगवान संतान प्राप्त होने की। उसके बाद फिर यहाँ दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। बाबा की बड़ी विशेष महिमा है, भगवान सूर्य यहाँ के द्वारा ये कुंड प्रकट हुआ है। भगवान सूर्य ने ये शिवलिंग स्थापित किया है, ये जो कि अर्घा इनका पूरब की तरफ है। विश्व में एक शिवलिंग है जो कि अर्घा पूरब की तरफ है इनका, और सूर्य भगवान ने यह स्थापित किया है और वचनबद्ध करके स्थापित किया कि जो कोई भी यहाँ कुंड में स्नान करेगा, आपका पूजन करेगा, तो पूजा सब जाएगा सूर्य को और मनोकामना पूरी करते हैं भगवान भोलेनाथ। अच्छा, ये किस तिथि को मनाई जाती है ये पर्व? साल में एक तिथि है लोलार्क षष्ठी पर। लोलार भादो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी में लोलार्क षष्ठी पर्व मनाया जाता है सालों। अच्छा, इस बार क्या क्या प्रबंध है, कैसे लोग नहाएंगे? इस बार प्रशासनिक प्रबंध जो है जैसे होता है वैसे हो रहा है हर साल। अच्छा, मतलब कई बार असुविधा हुई है, तो इस बार असुविधा न हो इसका ख्याल? तो प्रशासन के ऊपर है कि वो सुविधा हो, कि सुविधा हो तो प्रशासन करेगा ना। अच्छा, ये जो असुविधा शुरू हुई है बैरिकेडिंग के बाद हुई है? बैरिकेडिंग के पहले क्या होता था? बैरिकेडिंग के पहले आराम से लोग आते थे, दर्शन करते थे, स्नान करते थे, मुंडन भी करते थे, जो भी अपना आते थे, जैसे आते थे वैसे आते थे। भीड़ में ही आते थे आदमी और भीड़ में ही निकल जाते थे। जब से बैरिकेडिंग हो गई है
तब से यहाँ सिर्फ स्नान करने वालों को दर्शन मिल रहा है, मुंडन करने वालों को दर्शन मिल ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अभी प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें है जो प्रशासन कर रहा है। जैसे तो मुंडन करने वालों का दर्शन नहीं मिल पा रहा है, वो बाहर से ही और दूर दूर से ही अपना जो है मुंडन तो मान लीजिए कहीं भी करते हो, लेकिन दर्शन भी नहीं कर पा रहे भगवान का। इस बार किधर से पब्लिक आएगी, किधर निकास होगा? ये रास्ता है मेन, तुलसी द्वार से लाते हैं लोग और निकलते हैं फिर तुलसी द्वार पीछे की तरफ से, घाट की तरफ से, घर से निकल के बाबा का दर्शन करते हुए फिर घाट की तरफ से फिर निकाल दिए। अच्छा, यहाँ स्नान के बाद भी कहीं स्नान करना पड़ता है या नहीं? कहीं और स्नान करने का महत्व नहीं है, इसमें यहाँ स्नान करेंगे, बाबा लोलार किशोर महादेव का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद अपने घर की तरफ जाए। अच्छा, प्रशासन से की वजह से जो बैरिकेटिंग की वजह से दिक्कत आ रही है आपने बताया कि, तो प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन अच्छा अपना कर, जो व्यवस्था पब्लिक की सेवा में और पब्लिक की सुरक्षा के लिए है प्रशासन वो व्यवस्था कर रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ लोग स्नान नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, स्नान करते हैं जो लोग आते हैं, स्नान सब लोग करता है, मनोकामना वाले। हाँ, जिसका मनोकामना पूरा होता है वो दर्शन नहीं कर पाते हैं बाबा लोलारक का दर्शन नहीं। लेकिन दर्शन करने की मान्यता है? क्यों नहीं मान्यता है, हर साल मान्यता है। जो दर्शन जो आदमी स्नान करने यहाँ आता है वो मन्नत करके जाता है, उसके बाल बच्चे हो जाते हैं जब, तो उसके बाद वो आते हैं वो दर्शन करने दोबारा, तो उनका दर्शन नहीं हो पाता। यही व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी और सब कुछ ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।